गाइज, जिन भी लोगों ने इस वीडियो पे सबसे पहले 3 कमेंट किए हैं उनको 100-100 रुपए का पेटीएम कैश मिलता है। और साथ ही साथ आपको बताना है इस वीडियो में, एंड टू प्ले पर आईपीएल लीडरबोर्ड खेलो और जीतो T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच की टिकट्स, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। तो इस आईपीएल फैन टू प्ले पर टीम बनाओ और वर्ल्ड कप जाओ। हे गाइस, कैसे आप लोग, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। गाइस, जिन भी लोगों ने इस वीडियो पे सबसे पहले 3 कमेंट किए हैं उनको 100-100 रुपए का पेटीएम कैश मिलता है। और साथ ही साथ आपको बताना है इस वीडियो में कि डीन एल्गर जो अपना नेक्स्ट टेस्ट मैच खेलेंगे उसमें दोनों इनिंग्स में मिला के टोटल कितना स्कोर करेंगे। जो भी बंदा इसका करेक्ट आंसर देगा उसको 200 रुपए पेटीएम कैश मेरी तरफ से अलग से मिलेगा। और जो बंदों ने 3 बंदों ने सबसे पहले इस वीडियो पे कमेंट किए हैं उनको 100-100 रुपए पेटीएम कैश तो मिल गया समझ लीजिए, ठीक है। 200 रुपए का क्वेश्चन सुन लीजिए, फिर से बताता हूं डीन एल्गर कितना स्कोर करेंगे टोटल दोनों मैचेस में मिला के। आपको रन्स बनाने हैं, बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेंगे, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, जब भी दो इनिंग में बैटिंग करेंगे टोटल स्कोर कितना बनेगा, बस इतना बता दो। डीन एल्गर का 200 रुपए पेटीएम कैश आपके हो जाएंगे अगर आपने सबसे पहले आंसर दिया है। तो गाइस, बात करते हैं इस मैच की। टेस्ट मैचेस हम कभी ड्रॉप नहीं करते, टेस्ट मैचेस को हम अच्छे से कवर करते हैं। सो टेस्ट मैच में आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका बांग्लादेश का मुकाबला है, मैच नंबर 2 जो कि खेला जाएगा ST जॉर्ज पार्क पोर्ट एलिजाबेथ में। डे टू टाइम की बात करें तो 8 तारीख से मैच स्टार्ट होगा और 12 तारीख तक चलेगा टेस्ट मुकाबला। पिच रिपोर्ट की बात करें तो थोड़ा सा बैलेंस विकेट है और स्कोरिंग अगर हम देखें बैटिंग साइड तो उतना होता नहीं है। 68% विकेट यहां पे पेसर्स ने पास में ली हुई है, तो पेसर्स यहां पे थोड़ा सा बेटर करते हैं शुरुआती दिनों में तो करेंगे, उसके बाद स्पिनर्स गेम में आ जाएंगे। वैसे भी अभी केशव महाराज का फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है साउथ अफ्रीका की तरफ से, जो कि काफी इंटरेस्टिंग पिक होंगे कप्तानी वाइज कप्तानी के। देखिए, अभी जो टेस्ट मैच हुआ था उसमें कुछ प्लेयर्स का परफॉर्मेंस निकल के आया था, आप देख सकते हैं किन प्लेयर्स ने कितने फैंटेसी पॉइंट दिए वो आपके सामने है। इस पर एक थोड़ी सी छोटी सी नजर डाल लीजिए, अगर आपके काम के स्टैट होते तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्लेयर कैसा खेल रहा है। हालांकि एक मैच में आप उतना समझ नहीं सकते, साउथ अफ्रीका फेवरेट है, बस इतना मान के आपको टीम बनानी है। मैं आपको बेस्ट टीम पॉसिबल जो होगी वो प्रोवाइड करूंगा, इस वीडियो को बस पूरा देखते रहिए। सबसे पहले प्लेयर बैटल में देख लीजिए कौन सा बैट्समैन किस बॉलर के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा तस्किन अहमद के सामने डीन एल्गर ने टेस्ट क्रिकेट में 100 बॉलें फेस करी, 56 रन बनाए, एक बार विकेट दिया। के अहमद के सामने डीन एल्गर का 44 बॉल्स में 23 रन है और एक बार इन्होंने विकेट निकाली। देखिए एम हसन को कितना बढ़िया खेलते डीन एल्गर, ठीक है। स्पिन के खिलाफ देखिए तो 243 बॉलें फेस करके 134 और अभी तक विकेट दी ही नहीं मेहदी हसन को। एस इरवे का देखे तो देखिए 52 गेंदों में एक बार विकेट निकाला है मेहदी हसन ने और 12 रन दिए। इसके बाद यहां पे नीचे देखिए मेहदी हसन ने पीटरसन का भी विकेट निकाला है और तेंबा बाउमा का भी विकेट निकाला हुआ है। तो ये कुछ प्लेयर बैटल है। इसके बाद हम बात करते हैं बांग्लादेशी बैट्समैन साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की। इसमें आपको देखने को मिलेगा सैम हार्मन में एस इस्लाम का 2 बार विकेट निकाला, इसके बाद लिजार्ड विलियम्स ने मोहम्मद हसन जॉय का 1 बार विकेट निकाला है, केशव महाराज ने मोनिमुल हक का 2 बार विकेट निकाला, हार्मन ने 2 बार विकेट मोनिमल हक का निकाला, डी ऑलिवर ने मोनिमल हक का 1 बार विकेट निकाला है और महाराज ने जॉय का 1 बार विकेट निकाला है। तो इन स्टैट्स को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। और आपको बता दूं शाकिब अल हसन जो है वो अनअवेलेबल रहेंगे, वो नहीं खेलेंगे इस मैच को। तमीम इकबाल पिछला मैच नहीं खेले थे क्योंकि उनको पेट में थोड़ा सा दर्द था, अब देखना होगा कैसी उनकी फिटनेस वगैरह है, क्योंकि ये देखिए टेस्ट क्रिकेट 4-5 दिन आपको बैटिंग वगैरह करनी है, फील्डिंग वगैरह करनी है, तो फुली फिट प्लेयर होगा तभी खेलेगा, थोड़ा सा भी अनफिट होगा तो नहीं खेलेगा, ठीक है। और इसके अलावा शौरिफ उल इस्लाम को भी थोड़ा सा निकल है तो वो नहीं खेलेंगे इस मैच को। और शाकिब अल हसन का मैंने आपको बताया थोड़ा सा पर्सनल रीजन की वजह से वो टेस्ट क्रिकेट से थोड़ा सा भी दूर चल रहे हैं। उन्होंने ओडीआई तो खेले थे बट टेस्ट में ना पहला मैच खेला ना अभी दूसरा वाला टेस्ट खेलेंगे, इसके बाद टेस्ट होगा नहीं, ठीक है। तो ये देख लीजिए वेन्यू स्टैट्स है कुछ। इस वेन्यू पे 31 मैचेस खेलेगा, 13 बैटिंग फर्स्ट, 13 बैटिंग सेकंड में जीते, 5 मैचेस ड्रॉ हुए। एवरेज रिकॉर्डेड स्कोर जो रहता है फर्स्ट इनिंग का 307 के आसपास रहता है। और आखिरी अगर आप देखिए हाईएस्ट कुछ स्कोर जो यहाँ पे बने हुए वो आपके सामने, लोएस्ट स्कोर और लोएस्ट डिफेंडेड स्कोर वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस वेन्यू के रिगार्डिंग जितनी इन्फो थी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं आखिरी मैचेस जो इस वेन्यू पे खेले गए। तो लास्ट मैच था 2020 में, इस वेन्यू पे खेला गया था इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के बीच में, जिसको इंग्लैंड ने काफी एक बड़े मार्जिन से जीत लिया था। उसके पहले श्रीलंका साउथ अफ्रीका का इस वेन्यू पे मैच हुआ था, इसको श्रीलंका ने जीत लिया था। और उसके पहले ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका आपस में भिड़ी थी 2018 में, उसको साउथ अफ्रीका ने जीत लिया था। तो ये कुछ मैचेस है जो इस वेन्यू पे पहले खेले गए, इससे आप थोड़ा सा स्कोरिंग का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं बात करते हैं आईसीसी में क्या रैंकिंग है दोनों टीमों की। तो देखिए यहां पे साउथ अफ्रीका की रैंक तो 4th है, बांग्लादेश
उसकी रैंक काफी डाउन है, 9th रैंक पे ये टेस्ट क्रिकेट में आते हैं। हेड टू हेड स्टैट देखेंगे 13 में से 11 मैचेस साउथ अफ्रीका जीती और बकाया 2 मैचेस भी ड्रॉ हो गए। बांग्लादेश साउथ अफ्रीका से टेस्ट क्रिकेट में कभी जीती ही नहीं है। लास्ट 5 हेड टू हेड मुकाबलों में साउथ अफ्रीका ने 3 मैचेस जीते और ड्रॉ हुए 2 मैचेस और बांग्लादेश ने एक भी मैच नहीं जीता हुआ है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे रीसेंट फॉर्म की। दोनों टीमों का रीसेंट फॉर्म देखें तो साउथ अफ्रीका अपने 5 टेस्ट मैचेस में से 4 जीत के आ रही है और बांग्लादेश अपने 5 में से 1 मैच जीत के आ रही है। इसके अलावा रीसेंट टीमों का जो परफॉर्मेंस रहा कुछ, जैसे अगर आप बात करें, बांग्लादेश ने अपनी लास्ट सीरीज जो खेली थी वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी चल रही है, उसके पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेली थी तो उसमें क्या परफॉर्मेंसेज रहे थे। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका ने अपनी आखिरी सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ खेली थी तो उसमें इनकी क्या परफॉर्मेंसेज रहे थे, सारे यहाँ पे मेंशन है। तो चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो जूम करके देख लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, बात करते हैं आखिरी 5 हेड टू हेड मुकाबलों की। जब ये टीमें आमने सामने भिड़ती है तब क्या स्कोरिंग होती है। देखिए लास्ट मैच आपने देखा होगा 4 अप्रैल को जो हुआ था उसमें 367 बनाया था साउथ अफ्रीका ने, फिर उसके बाद बांग्लादेश ने 298 बनाया था, इसके बाद साउथ अफ्रीका ने 204 बनाया और बांग्लादेश ने 53 बनाया, ऑल आउट हो गई। 53 पे ऑल आउट कर दिया था, केशव महाराज ने 7 विकेट और हार्मर ने 3 विकेटों के आसपास निकाले थे। तो यहां पे साउथ अफ्रीका ने जो था बांग्लादेश को एकदम डिसमेंटल कर दिया, 53 रन पे ऑल आउट करा था। और अगर आपने वो मैचेस देखा होगा तो बहुत तगड़ा मैच था, सारे विकेट स्पिनर्स ले गए, कोई एक पेसर लेके ही नहीं गया इस विनिंग में खास करके, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके पहले 2017 में ये टीमें आपस में भिड़ी थी, जब स्कोरिंग देखिए साउथ अफ्रीका ने 573 पे डिक्लेयर किया था और बांग्लादेश दोनों इनिंग्स में ऑल आउट हो गई थी। तो बहुत हद तक चांस रहेगा कि साउथ अफ्रीका मे बी पॉसिबल कि फर्स्ट इनिंग ज्यादा बड़ी खेल जाए और बांग्लादेश दोनों इनिंग्स में ऑल आउट हो जाए। इनके पास बड़े प्लेयर्स अभी ज्यादा है नहीं, शाकिब है नहीं, तमीम इकबाल है नहीं, तो एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी यहाँ पे टीम में रहेगी। इसके बाद साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 की बात करते तो इनके पास कुछ अच्छे प्लेयर्स अवेलेबल है टॉप ऑर्डर में, जैसे कि आप देख रहे हैं डीन एलगर पिछले मैच में ही 67-64 दो इनिंग्स में परफॉर्मेंस दी इन्होंने, यानी एक इनिंग में 67 एक इनिंग में 64 लगाए थे। और अपोजिशन टीम के खिलाफ देखिए ये वाला मैच जो था उसके पहले एक बार 113 भी लगाया, एक बार 199 भी लगाया। तो ये प्लेयर हमेशा जो है बांग्लादेश के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इसलिए मैंने कैप्टेंसी या वाइस कैप्टेंसी की ऑप्शन तो सजेस्ट करूंगा ही। वैसे भी टेस्ट क्रिकेट में काफी बढ़िया प्लेयर माने जाते हैं डीन एलगर, तो इनको आपको मेरे हिसाब से कप्तान या वाइस कप्तान जरूर करना चाहिए। फिर आते हैं सैरिल रिवे, रीसेंट फॉर्म अगर आप रिवे का देखें तो आखिरी 3 मैचेस में एक बार शतक लगाया है, अपोजिशन टीम के खिलाफ लास्ट मैच एवरेज था। फिर हम बात करते हैं कीगन पीटरसन की, अगर रीसेंट फॉर्म इनका देखें टेस्ट क्रिकेट में तो ठीक ठाक फॉर्म से गुजर रहे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में भी नहीं है। अगर आप देखें तो बड़ी इनिंग्स बहुत कम खेली हुई है इन्होंने, यानी अगर आप 50 प्लस की स्कोरिंग की बात करें तो पिछले लगभग 5 मैचेस में 3 बार ऐसा हुआ जब इन्होंने 50 प्लस की स्कोरिंग करी है, 3 बार 10 इनिंग्स में से। तो थोड़े से मेरे हिसाब से कमजोर प्लेयर समझ में आ रहे हैं मुझे, तेम्बा बवुमा ये है थोड़े से इंपॉर्टेंट प्लेयर जो थोड़ा सा एंकर भी करते हैं टीम को, यानी टीम अगर जल्दी कोलैप्स होती हुई दिखती है तो ये लंबे समय तक विकेट पे टिक सकते हैं। रीसेंट फॉर्म अगर आप देखिए और अपोजिशन टीम के खिलाफ इनका रिकॉर्ड देखें तो वो थोड़ा अच्छा समझ में आ रहा है। ओवरऑल मैं इनको सजेस्ट करूंगा आपको टीम में लेना, सबसे पहले तो डीन एलगर को ले लो, फिर आप यहाँ पे तेम्बा बवुमा को ले लो। अगर आप बड़े स्कोर की तरफ देख रहे हो तो ये दो प्लेयर बड़ा स्कोर कर सकते हैं। फिर आते रियान विकल्टन, अगर हम बात करें आखिरी मैच की तो ठीक ठाक मैच इनका रहा था, उसके पहले लिस्टिक रीड वगैरह खेली थी। इसके बाद काइल वेरिन ने आते जो इस टीम के विकेट कीपर बैटर हैं, आपको कैचे स्टंपिंग से पॉइंट देंगे प्लस अच्छे फॉर्म में भी। देखिए अभी रीसेंट टाइम में इन्हें एक T20 मैच में भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी, तो काइल वेरिन ने फॉर्म में भी हैं और अच्छा कर सकते हैं प्लस विकेट कीपिंग से अच्छे पॉइंट देंगे। अच्छा इस मैच के पहले जब इन्होंने 2806 लगाया उसके पहले एक मैच खेल के आया उसमें एक शतक भी लगाया हुआ है, तो ओवरऑल अच्छा प्लेयर है, आप इन पे थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं, विकेट कीपिंग से भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। फिर आते वीआर मल्टर, पिछले मैच में बहुत कम बॉलिंग इन्होंने कराई और बैटिंग में इनकी एज सच कुछ खास आई नहीं, तो इनसे ज्यादा उम्मीदें मुझे नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं बाकी प्लेयर्स की जिसमें आपको मिलेंगे केशव महाराज। केशव महाराज पिछले मैच में आप देख सकते हैं 7 विकेट लेके गए थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक होंगे इस मैच में केशव महाराज। और सिमन हार्मर भी पिछले मैच में देखिए टोटल 7 विकेट निकाल के गए थे और इन्होंने तो एक ही इनिंग में 7 विकेट निकाल ली थी। दोनों प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट है और अपोजिशन टीम के खिलाफ केशव महाराज का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है और हार्मर का भी बहुत अच्छा, दोनों स्पिनर्स काफी अच्छा करते, दोनों आपकी टीम में होने चाहिए। लिजार्ड विलियम्स ने पिछला मैच जो था अपना पहला टेस्ट मैच खेला था उसके पहले लिस्टिक रेड खेली हुई थी उसमें काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया और ड्वेन ओलिवर ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया, हालांकि उतने विकेट नहीं निकाल पाए ड्वेन ओलिवर लास्ट मैच में, ठीक है। ये देख सकते हैं लास्ट मैच में सिर्फ एक विकेट इनको मिली थी, लिजार्ड को 3 मिली थी और हार्मर और केशव ने मैक्सिमम विकेट निकाली हुई थी। इसके बाद बेंच स्ट्रेंथ की हम बात करें तो इनके पास लूथो सेपामला है, खायो जोंडो है, ड्रेन डुपैवोलियन है और ग्लेंटन स्टरमैन है। इनके भी स्टैट देख लीजिए, अगर इनमें से कोई प्लेयर खेलता है तो उसको टीम में लेना नहीं लेना वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश प्लेइंग 11 की जिसमें महमूदुल हसन जॉय, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया, पिछले मैच में आपने देखा होगा काफी अच्छी बैटिंग करी थी, ढेर सारी बॉलें खेली और अपना 137 का नॉक लगाया, सेकंड यंगेस्ट ये एशिया में बन गए साउथ अफ्रीका में स्कोरिंग करने वाले प्लेयर। और इसके अलावा सचिन
और राहुल द्रविड के बाद ये तीसरे प्लेयर बन गए जिन्होंने साउथ अफ्रीका में इतना लंबा स्टैंड खेला, यानी कि 440 मिनट के आसपास इन्होंने बैटिंग करी थी क्रीज पे। तो ये थोड़ा सा इनका रिकॉर्ड बना हुआ है, हालांकि इन पे उतना ट्रस्ट हम फिर भी नहीं करते क्योंकि इस टेस्ट मैच के पहले अगर आप देखें तो ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। हालांकि प्लेयर ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है आखिरी तीन मैचेस में, एक बार 50 प्लस की स्कोरिंग, एक बार 100 प्लस की स्कोरिंग, बट वही है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस के मामले में थोड़ा कमजोर दिख रहे हैं, बाकी बैटिंग बहुत सॉलिड करी थी। तो ले सकते हैं अपनी टीम में आप। इसके बाद आते हैं शदमान इस्लाम, रिसेंट फॉर्म अगर आप इनका देखें तो कोई ज्यादा बड़ी इनिंग्स आपको देखने नहीं मिलेंगी। अपोजिशन टीम के खिलाफ लास्ट मैच में टोटल फ्लॉप रहे थे। फिर नाजमुल हुसैन शांटो आते, ये फिर भी थोड़े से बेटर प्लेयर है, इनको चाहे तो अपनी टीम में ले सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में आमतौर पर स्कोरिंग आप देखेंगे हर मैच में 30-35 के आसपास तो कर ही देते हैं, लास्ट मैच में भी 38-26 यानी कि 35 के आसपास की, 30 के आसपास की एवरेज स्कोरिंग बोली जा सकती है। फिर आते हैं मोनिमल हक, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है इस टीम के और काफी बढ़िया प्लेयर है, लेफ्टी बैट्समैन, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर सकते हैं। रिसेंट फॉर्म अगर आप इनका देखें उठा के तो ठीक ठाक परफॉर्मेंसेज रहे इनके और अपोजिशन टीम के खिलाफ रिकॉर्ड थोड़ा सा हालांकि एवरेज रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं मुशफिकर रहीम की और लिटन दास की, ये भी लोग काफी अच्छा कर रहे हैं रिसेंट टाइम में। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की तो मुशफिकर के पास काफी एक्सपीरियंस है, प्लस रिसेंट टाइम में अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द मैचेस में डिसेंट स्कोरिंग कर रखी है। हेड टू हेड हालांकि इनका उतना अच्छा नहीं है, और लिटन दास की वही हम बात करें तो हेड टू हेड इनका भी थोड़ा सा एवरेज देखने को मिलेगा, और रिसेंट फॉर्म में कई बार 80, कई बार 100, कई बार 45 ऐसी बड़ी बड़ी स्कोरिंग इन्होंने कर रखी। देख सकते हैं मैक्सिमम मैचेस में 40 प्लस, 100 प्लस, 80 प्लस, 40 प्लस, 50 प्लस, 100 प्लस ऐसे स्कोरिंग कर रखी। लिटन दास से काफी एक्सपेक्टेशन रहती है और रिसेंट टाइम में बड़े बड़े फॉर्मेट्स में भी अच्छा कर रहे हैं, T20 में भी करा है, ODI में भी करा है और टेस्ट क्रिकेट में भी इनसे एक्सपेक्टेशन हाई रहेगी। यासिर अली के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो इन पे आप उतना ट्रस्ट मत कीजिएगा, 30 का इनका एवरेज बनता है, रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है। इसके बाद मेहदी हसन की अगर हम बात करें तो टीम की तरफ से मैक्सिमम बॉलिंग करेंगे, लास्ट मैच में भी ढेर सारे ओवर्स कराए और दोनों इनिंग्स में 3-3 विकेटें निकाली, प्लस बैटिंग से भी काफी पॉइंट आपको ये दे सकते हैं। कई बार इनको हमने एंकर करते हुए देखा है, जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है तो ये वन साइड से एंकर करते हैं, अच्छे खासे रन पुटअप करते हैं बोर्ड पर, ठीक है, प्लस बॉलिंग तो बहुत शानदार करते हैं। तो ये आपके लिए कप्तानी वाइज कप्तानी की डिसेंट पिक इस मैच में हो सकते हैं अगर बैटिंग से अच्छा करें, क्योंकि बॉलिंग से तो ये अच्छा करेंगे करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे और बात करते हैं बाकी कौन कौन से प्लेयर हैं बांग्लादेश में, तस्कीन अहमद, खालिद अहमद और इबादत हुसैन, जिसमें लास्ट मैच में खालिद अहमद ने काफी बढ़िया बॉलिंग करी थी, 4 विकेट लेके गए, इबादत ने 2-3 विकेट निकाली, तस्कीन ने 0-2 विकेट निकाली थी। इसमें अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए तस्कीन अहमद रहेंगे, रिसेंट टाइम में बहुत ही बढ़िया फॉर्म में रहे, ये T20 खेले चाहे ODI खेले, हर एक फॉर्मेट में इनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, तो इनको आप मेरे हिसाब से टीम में पिक करें, ये आपको बैटिंग से भी थोड़े बहुत पॉइंट दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बेंच स्ट्रेंथ की, जिसमें आपको मिलेंगे तमीम इकबाल, अगर फिट होंगे तो खेलेंगे, शाकिब तो रूल्ड आउट हो गए और तैजुल इस्लाम के भी चांसेस नहीं है खेलने के, और शौरिफ उल तो निगल की वजह से आउट है। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं, इनके स्टैट आप देख लीजिए, आगे हम बात कर लेते हैं बाकी प्लेयर्स की। तो ये है कुछ प्लेयर्स और इसके बाद सीधा हम आ जाते हैं हमारी टीम पर, बट उससे पहले आपको बता दूं आपके लिए एक आईफोन गिव अवे रखा हुआ है मैंने फैन टू प्ले एप्लीकेशन पे। अगर आप फैन टू प्ले एप्लीकेशन को रेफर कोड FX के साथ ज्वाइन करते हैं तो उस गिव अवे में आप पार्ट ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको रेफर कोड FX लगा के साइन अप करना है फैन टू प्ले एप्लीकेशन पे, अगर आप उस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना चाहते हैं तो। ये सिर्फ गिव अवे जो है आईफोन वाला, ये सिर्फ और सिर्फ FX यूजर्स के लिए रहेगा फैन टू प्ले एप्लीकेशन पे। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आपको डाउनलोड करो, रेफर कोड FX लगा के साइन अप करो और ये कॉन्टेस्ट जीतने का मौका पाओ। कैसे ये कॉन्टेस्ट जीतोगे, जब आप अपने डिपॉजिट सेक्शन में जाओगे, वॉलेट सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको एक कोड दिखेगा FX गिव अवे, इस कोड का यूज करके आपको डिपॉजिट करना है। जो भी टॉप डिपॉजिटर्स होंगे, टॉप 20 डिपॉजिटर्स होंगे, उनकी रैंक बनेगी और फर्स्ट रैंक वाले को एप्पल आईफोन मिलेगा, सेकंड वाले को सैमसंग गैलेक्सी मिलेगा, थर्ड वाले को इको डॉट मिलेगा, उसके बाद 4 से 10 तक आपको एक स्मार्ट वॉच मिलेगी और 11 से 20 तक आपको बोट रॉकर्स हेडफोन्स दिए जाएंगे। यानी 20 विनर होंगे और 20 में सबसे टॉप प्राइस जो है वो एप्पल आईफोन 12 मिनी है, जिसकी कीमत तकरीबन 50,000 से ऊपर होती है, समझ रहे हो ना। तो गिव अवे काफी बड़ा है, 50,000 तो सिर्फ फर्स्ट प्राइस है, इसके अलावा भी अगर आप प्राइस की वैल्यू लगाओगे तो लाख रुपए से ऊपर का तो ये गिव अवे अकेला हो गया, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, ये गिव अवे मिस नहीं करना है, फैन टू प्ले एप्लीकेशन पे आपको अभी रजिस्टर करना है और कोशिश करनी है मैक्सिमम से मैक्सिमम डिपॉजिट करने की। जो ज्यादा डिपॉजिट करेगा उसकी रैंक ऊपर जाएगी और उसको बड़ा प्राइस लगेगा, ठीक है। मेरी टीम आप इस मैच में देख लीजिए, जो मेरी इस मैच में टीम रहने वाली है फैन टू प्ले एप्लीकेशन पे, तो मैंने काइल वेरिने को लिया है जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं, विकेट कीपिंग से भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट देंगे। मुशफिकर रहीम को मैंने लिया है, आप चाहे तो इनकी जगह पे लिटन दास को ले सकते हैं,
मैंने टेम्बा बहुमा डीन एलगर को टीम में जगह दी है, मैंने सिमन हार्मर, मेहदी हसन, मोनिमोल हक को लिया है और इसके अलावा बॉलिंग सेक्शन में लिजार्ड विलियम्स, डुआने ऑलिवर, तस्कन अहमद और केशव महाराज को लिया है। आप चाहें तो लिजार्ड विलियम्स की जगह पे किसी और प्लेयर को भी ट्राई कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को आपको नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि बहुत हद तक चांसेस है कि बांग्लादेश दो बार बैटिंग कर सकती है। कप्तानी वाइस कप्तानी की बात करें तो एलगर ने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए कप्तानी में तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। वाइस कप्तानी आप चाहें तो केशव महाराज या मेहदी हसन, दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं। लास्ट मैच में टोटल 7 विकेट निकाली थी केशव महाराज ने और टोटल 6 विकेट निकाली थी मेहदी हसन मिराज ने, बट मेहदी हसन ने थोड़े बहुत रन भी बनाए थे, तो ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस सिमिलर ही रही थी। तो आप इन दोनों में से किसी को भी अपना कप्तान वाइस कप्तान कर सकते हैं, ये लोग बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए, थोड़े सेफर पिक भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फैंटू प्ले पे मेरी टीम है, आप इसमें कुछ बदलाव चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे मुशफिकर रहीम की जगह पे लिटन दास वगैरह को अपनी टीम में ले सकते हैं। ठीक है, अब जिन लोगों ने हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं करा, फटाफट ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे फॉलो कर लो। कोई भी दिक्कत होती है डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और अब वीडियो करते हैं खत्म, आई होप आपने कॉन्टेस्ट में पार्ट ले लिया होगा। टॉप 3 कमेंट्स जिन्होंने सबसे पहले इस वीडियो पे कमेंट किया उनको 100 रुपए पेटीएम कैश है, और 200 रुपए का क्वेश्चन मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। 200 रुपए अगर आपको पेटीएम कैश एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको बताना होगा डीन एलगर टोटल कितने रन बनाएंगे दोनों इनिंग्स में बैटिंग करके, आपको बस इतना बताना है। ठीक है, जिसका सबसे पहले आंसर आएगा करेक्ट उसको 200 रुपए पेटीएम कैश एक्स्ट्रा मिलेगा। सो गाइस वीडियो करते हैं खत्म, अगर पसंद आया तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।